हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। बिहारी ब्रंच में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और पालक की सब्जी, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कढ़ाई। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम लोग को डालना है सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल, अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक लाल मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पहले भूनना है। देखिए हमारा प्याज लगभग लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू डाल के लगभग हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। आलू डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे चलाएंगे। जब हमारा आलू थोड़ा सा भुना जाए तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर देने के बाद फिर हमें इसे 5 मिनट तक ऐसे ही। ये देखिए हमारी सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा पानी मिला के अब हम इसे भूनेंगे। अच्छे से मसाला को भूनना है जिससे मसाले का कच्चापन ना रहे। ऐसे ही थोड़ी देर तक भूनते रहना है। लगभग हम लोग को 5-10 मिनट तक मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। हमारा मसाला लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। हमारा पालक पालक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से तरह से मिला देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है। स्वाद को और दोगुना करने के लिए हम इसे थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। अब अच्छे से पकने के लिए हम इसे लगभग 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे। साग को पक जाएगा इतना देर में अच्छे से। ये देखिए लगभग 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ अपने सब्जी को। ये लगभग साग भी अच्छी तरह से गल चुका है। हमारा सब्जी अब लगभग रेडी है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट भी जबरदस्त नहीं होगा। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर रेसिपी हमारी अच्छी लगी आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।